पकड़ लेगा। यस वी आर लाइव साथियों, नमस्कार। मैं असलम चौपदार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 8 बज रहे हैं और 8 बजे आप लोगों से, जैसे आप लोगों को पूर्व अनुमानित था कि मैं लाइव जुड़ूंगा, आज बीच रास्ते में मुझे लाइव आना पड़ा है और उसका प्रमुख कारण समय हो गया था और उसका इंतज़ार मैं करवाना नहीं चाहता था। राजस्थान के जितने भी युवा साथी हैं उनको बिल्कुल भी, बिल्कुल मनीष जी बिल्कुल हेलो, थोड़ा बैक पेन था, हॉस्पिटल में दिखा के आया और उससे निकलते ही जैसे ही आप लोगों के बीच में उन्हीं तथ्यों उन्हीं मुद्दों के साथ मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो लाइव का हमारा जो मुद्दा है वो कई चीज़ों को लेके, दीपक जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, चलो कई भर्तियाँ एडिशनल का जो आज कोर्ट का जो निर्णय आया है एडिशनल भर्ती को लेके, रीट की एग्ज़ाम की डेट को लेके जो घमासान मचा हुआ है, जिस पे बार बार पूछा जा रहा है क्या 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 क्या, तो उसको लेके, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती है उसको लेके, पटवार की जो भर्ती की जो फॉरम ओपन होंगे नहीं होंगे उसको लेके, बिल्कुल सभी के मैं सवाल देख रहा हूँ। दोस्तों, आप जितने भी आपके कमेंट आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। आज जो मुद्दा रहेगा, जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन भर्तियों के बारे में आज चर्चा की जाएगी, किस किस की भर्ती की चर्चा की जाएगी। जब तक आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तक युवा तक पहुँचाए, राजस्थान का युवा है वो गुमराह ना हो। 2016 इंग्लिश और गणित विज्ञान के संदर्भ में आज मेरी शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, उसके बारे में मैं बात रखूँगा। इन तथ्यों के अलावा बीएड बीएसटी से जो विवाद है जिसमें कोर्ट की जो हियरिंग होनी है उस पर भी मैं बात रखूँगा। शुक्रिया दिव्यांगों की जो आवाज़ है, दिव्यांगों को हमेशा मेरा सलूट रहता है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जी हमारे मित्र भी है, उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया है। दिव्यांग वो नहीं है, उनके अपेक्षा मैं हूँ। दोस्तों, इसके अलावा 2018 की LDC की जो रिक्त पद बचे हैं, वेटिंग की जो बचे हुए हैं उनको लेके, इसके अलावा 2013 LDC की, कल मेरे से एक पूरा परिवार मिला था, उसकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके अलावा सेट एग्ज़ाम को लेके और 2000 वरिष्ठ अध्यापकों की जो वेटिंग सूची है उसको लेके मैं आप लोगों से आज जो लाइव जुड़ूंगा। सबसे पहले हम एडिशनल मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, जो आज कोर्ट का आदेश आया है जो एडिशनल का, उस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले चलो हम बात करते हैं, कोर्ट का आदेश आया है, सभी को ये लगा कि जो नवचयनित अध्यापक है वो बाहर हो जाएंगे, उनकी नौकरियों को खतरा होगा, तो दोस्तों घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। एडिशनल भी एक डिग्री होती है, सिंगल बेच के बाद में डिवीजन बेच ने भी एडिशनल को अमान्य करार दिया है। एक सेकेंड आप वेट करें, मैं जो टेक्निकल टीम है उनको बोल देता हूं कि वो सही तरीके से इसको कैमरा मैनेज रखे। हाँ, एडिशनल की जो डिग्री है उसको लेके कई लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दोस्तों घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये हमारे जो मुकेश जी छिंपा है हमारे साथ वाले, वो भी एडिशनल कर रखे हैं, तो इसके अलावा विक्रम जी सारण है जो हमारे प्रदेश विधि सलाहकार है, वो भी एडिशनल डिग्री से है। तो बहुत सारे युवा साथी हैं जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में लोग नियुक्तियाँ ले चुके हैं, सेकंड ग्रेड में नियुक्तियाँ ले चुके हैं, रीट में भी पिछली भर्ती में नियुक्तियाँ ले चुके हैं, उनको कतई गवर्नमेंट बाहर नहीं करेगी, कोई बाहर नहीं होगा। और चिंता ना करें, मैं बाहर नहीं होने दूंगा किसी भी प्रकार से। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी एडिशनल के भाई बहन हैं, जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, आपको सरकार बाहर नहीं होने देगी। पहला प्रयास सरकार के द्वारा रहेगा, फिर अगर होगा तो हम खुद, हमारी टीम इसको मैटर को लेके SLP दायर करने वाली है। देखो, कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि SLP को हम असलम क्यों दायर कर रहा है, हमारी टीम कर रही है। दोस्तों, इसमें मुकेश जी खुद प्रभावित है और सुबह से वो परेशान थे, इसके अलावा उनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे वो प्रभावित। सरकार क्या कर सकती है इस मैटर में? सरकार इसमें SLP खुद दायर कर सकती है, क्योंकि सरकार, या तो सरकार नई सीटें क्रिएट करे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी नई सीटें, लेकिन सरकार इसमें जो लोग नियुक्ति ले चुके हैं उनके साथ, कई लोगों को लग रहा है कि 50-50 का स्टाम्प लिया है और लिया, जिन लोगों ने नियुक्तियां ले ली है उनको कोई बाहर नहीं करेगा, सरकार इतना बड़ा खेल नहीं खेलेगी।
आप लोग निश्चिंत रहे, क्योंकि आप चिंता ना करें, हमारी टीम इसमें प्रयासरत रहेगी। दूसरी बात, कई लोग प्रभावित हो रहे हैं जिन्होंने एडिशनल कर लिया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं केस कमजोर था, या कहा जाए तो केस को कमजोर किया गया। हमारी टीम अब इस चीज को देखेगी, केस कमजोर नहीं था। दूसरी बात कि एडिशनल से फर्स्ट ग्रेड लोग नियुक्त हो चुके हैं। इस सरकार ने एक सब्जेक्ट के बेस पे कॉमर्स वालों को भी अलाउ किया है। इस रेट में कोर्ट ने कॉमर्स वालों को अलाउ किया है। बहुत सारे तथ्य हैं जो इस लाइन में नहीं बोला जाएगा, लेकिन बहुत सारे तथ्य हैं। एडिशनल बाहर नहीं होंगे दोस्तों, एडिशनल के फेवर में मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी टीम इसमें काम करेगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। और दूसरी बात, एडिशनल में एडिशनल की जो डिग्री को लेके जो कई लोगों को लग रहा है कि हम बाहर होंगे और होंगे, तो इसके संदर्भ में मुकेश जी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने एक लिंक ग्रुप भी क्रिएट किया है। उसका लिंक इसी पेज पे डाला हुआ है, आप उससे जुड़ भी जाए, ज्वाइन भी कर ले। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है कोई प्रकार की है, तो उस पे कार्य करेंगे। अब सबसे बड़ा जो राजस्थान का युवा देखना चाह रहा है, लगभग 1500 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं पूरे राजस्थान के। एक बार जब आके पूरे राजस्थान के बियरधारियों तक, राजस्थान के हर व्यक्ति तक जो रेड की तैयारी कर रहा है, उस तक ये मैसेज पहुँचा दे। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि जो डेट की जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है राजस्थान में, आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी से आज मेरी मुलाकात हुई थी। वो अब जो एग्रेसिव है राजस्थान के यूथ के लिए टाइम पे एग्जाम करवाने के प्रति, वो एक अलग था। एग्जाम वो 25 अप्रैल को ही करवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उपचुनाव के मद्देनजर में जो EWS को जो आरक्षण में लाभ दिया है, उस वजह से सभी भर्तियों में वो लाभ देने की स्कीम बनाई। कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी इस पे फैसला ले रही है। सरकार ये चाह रही है सभी भर्तियों में कोई भी प्रकार के व्यक्ति ना रहे। कई लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में एडिशनल कहां पे है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एडिशनल से नौकरी करते हुए व्यक्ति सेकंड ग्रेड में नियुक्ति लेके प्रमोटेड होके बाद में फर्स्ट ग्रेड जा रहा है। उनकी नौकरी जो एडिशनल से ही मिली हुई थी, आप लोग इस बात को, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, तो दोस्तों आप बात को समझे, जरूरी नहीं है डायरेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें। मैं जो कह रहा हूं वो बात समझे, रीट 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 की डेट को लेके चिंता कर रहे हैं। 6 भर्तियां हैं जिनके में कमेटी बनी है। कमेटी का निर्णय मुख्य रूप से सभी भर्तियों के फोरम खोले जाएंगे। EWS की वजह से लोगों को फॉर्म रीओपन किए जा रहे हैं, और उन सभी लोगों को वापस फॉर्म भराए जाएंगे। कई लोगों को कह रहे हैं कि रीट में तो उम्र की सीमा नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति जनरल का है, जिनकी एज पूरी हो चुकी थी इस रीट के बेस पे, उसे लगा मेरी आयु पूरी हो चुकी है, मैं क्यों फॉर्म भरूं, क्योंकि मैं पात्र नहीं हूंगा, तो वो व्यक्ति रह चुका था, और वो रह चुका था तो अब उसके लिए फॉर्म खोले जाएंगे। तो उस आधार पे जिसके भी लिए फॉर्म खोले जाते हैं, उसके लिए कम से कम 45 दिन का समय देना लीगली है। तो ये आज अगर फॉर्म खोल दिए जाएं, तो 45 दिन कम से कम आगे गई रीट, उससे पहले एग्जाम नहीं हो सकता। अब डेट क्या होनी चाहिए, रीट के अलावा कॉलेज लेक्चरर के फार्म खोले जा रहे हैं। जो बार बार पूछ रहे हैं कॉलेज लेक्चरर की डेट बढ़ेगी क्या, कॉलेज लेक्चरर के फॉर्म खुल रहे हैं, डेट बढ़ेगी। दोस्तों क्लियर, मैं आपको लोगों को क्लियर कर देता हूं, पटवार के फॉर्म रीओपन होंगे, क्लियर कर देता हूं, SI भर्ती के फॉर्म रीओपन होंगे, क्लियर कर देता हूं, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म ओपन होंगे, क्लियर कर देता हूं। 2000 लोग लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रतीक्षा यही हो रही है कि क्या इसकी डेट रहेगी। दोस्तों 6 भर्तियां मेरे क्लियर है माइंड में, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, रीट, कॉलेज लेक्चरर, SI भर्ती, पटवार, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और एक RPSC की और भर्ती है, इनका तो मैं खुद देख के आया हूं। आज की बात मैं बाद में रखूंगा, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि डेट को लेकर क्या चल रहा है। डेट को लेके कुछ लोगों को दर्द हो रहा है दोस्तों, इसलिए नहीं कि सरकार डेट बढ़ा रही, इसलिए कि सरकार की न्यूज यूथ तक
कोई और ना पहुंचा दे। वो ज्ञापन देना शुरू कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर रहे हैं, जो कल सरकार के खिलाफ नामांकन कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट ना दो ऐसे कह रहे हैं, वो आज जाके साहब 26 जून को छोड़ दो, कोई और करवा दो। दोस्तों मैंने कहा था 26 जून के अलावा 3 डेट और है जिन पे विचार चल रहा है। ये हमारी 90% मान के चले आप 26 जून को एग्जाम होगा। दोस्तों आज फर्स्ट इंडिया न्यूज में भी आपने न्यूज सुनी होगी, न्यूज को छोड़ दीजिए आप, क्लियर सुनिए आपका भाई जो बात बता रहा है। 3 डेट्स और है, मैं बाध्य हूं दोस्तों आप लोगों के सामने डेट्स अनाउंस नहीं कर रहा हूं। इन 4 डेट्स में कोई भी 3 डेट्स संडे की है, 3 डेट्स संडे की है, इसमें 1 मई की है। आपको क्लियर कर देता हूं कि मई में लगभग अंतिम वीक की डेट है, यानी मई का अंतिम वीक है। मैं पूरी प्रॉपर आपको डेट नहीं बता रहा हूं। फिर जून पे आइए आप, जून पे, जून और जुलाई की एक डेट है, 1 जून की, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र था, वो डेट मैंने आपको क्लियर कर दी है। दोस्तों वो डेट 26 जून है। इसके अलावा मैं बात लंबी बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में 26 जून को मैंने, आज भी मुझे कह रहे थे भाई साहब कि तुम्हें 26 जून की डेट बता दी और तुमने 18 बार 26 जून का जिक्र किया है, तो आप लोगों के बीच में मैं डेट्स का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। ज़्यादा मैंने आपको क्लियर कर दी है, मेरे पास 4 डेट्स है। अब एक बात, जो आज मेरी मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से हुई थी, एक छोटी अल्प मुलाकात थी, हालांकि एक्सीडेंटल मुलाकात थी, मुझे जाना पड़ा अचानक कोई कॉल होने पर, और मैंने चर्चा की थी 2016 इंग्लिश के लिए, 2016 गणित विज्ञान के लिए, 2021 रीट शिक्षक भर्ती के लिए। इन्होंने, मैं जो बात कह रहा हूं वो मुद्दे की बात है, 2016 SLP वापिस के लिए जब मैंने चर्चा की, कल एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था इंग्लिश मैथ साइंस के लिए, अच्छी बात है, सभी प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम पहले भी उनको अवगत करा चुकी थी, उनके मायने पहले भी बात चल रही थी। दोस्तों खुद शिक्षा मंत्री जी के सामने जब मैंने बात रखी 2016 इंग्लिश SLP, 2016 TSP और नॉन TSP इंग्लिश साइंस मैथ की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा 3 से 4 दिन आफ्टर होलिका वैकेशन होने के पश्चात 3 से 4 दिन के बाद में इस पे असलम मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, और कोई ताज्जुब नहीं होगा कि आपको उपचुनाव से पहले ये सरकार तोहफा दे दे। हमारा पूरा प्रयास है दोस्तों, सरकार काम कर रही है, हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं, और सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, और उपचुनाव में जब सरकार जा रही है तो जो सरकार उपचुनाव में लगभग 2200-2300 जो लाइव चल रहे हैं उनके लास्ट में एक मैसेज दूंगा दोस्तों, जो डेट को लेके आप बात सुन रहे हैं, सेट के एग्जाम की भी बात करूंगा। दोस्तों सरकार का विरोध हर युवा करता है, मौका आता है एक चुनाव का, आपके पास वो मौका है जिसमें सरकार का साथ लेके आपको काम करना है। मैंने बहुत विरोध किया, मेरे जितना इस सरकार का किसी ने विरोध नहीं किया, शिक्षा मंत्री का मेरे जितना कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अब युवा की हक की बात थी, मैं चल के गया, मैं खुद उनके साथ बात रख रहा हूं, फेस टू फेस बात हो रही है, काम हो रहा है और युवा के हित में हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि राजस्थान का युवा भी इस सरकार को कुछ अच्छा तोहफा देगा, और जल्द ही राजस्थान के युवा को बड़ी न्यूज मिलेगी 2016 इंग्लिश और 2016 गणित विज्ञान के संदर्भ में। 2018 के संदर्भ में आज बात बता देता हूं, LDC जो पद खाली रहे हैं, वेटिंग है, जिनके लगभग 500 या 700 पद थे, कितने बताए थे उन्होंने, लगभग 500-700 जो पद खाली हैं जिन पे वेटिंग आनी है। देखो दो प्रकार की बात है इसमें, जनरल की कट ऑफ ज़्यादा टूटेगी दोस्तों, 100% वेटिंग आएगी, 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। एक हमारे ही सहयोगी अच्छा काम कर रहे हैं, जो खुद डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं मंत्रियों की, विधायकों की, युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, खुद सिलेक्टेड होके भी उनकी टीम काम कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार का DOP का सर्कुलर आड़े नहीं आएगा, सभी युवाओं के लिए अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड्स में प्रतिबद्ध है और काम भी होगा। जो लोग फेलियर अपने आप को समझे 2018 के, तो उन लोगों से अनुरोध है फेलियर नहीं समझे, आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। 2013
एलडीसी का प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था, मैं बोलूंगा 2021 पे भी बोलूंगा, दोस्तों वेट तो करें, सभी बात बोलूंगा, एक बार वेट करें, दो चीज़ जो कमेंट आ रहे हैं उनका मैं रिप्लाई करना मस्ट है, ज़रूरी है। मैं ऑन हाईवे खड़ा हूं दोस्तों, ऑन हाईवे के नज़दीक इस बात के लिए रुका हूं कि आपकी बातों को आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको मिले इस वीडियो में, तब स्वाद है। 2013 आरपीएससी की जो पद खाली है उसके संदर्भ में हमने विधायक साहब को बोला है, उन्होंने मुख्य सचिव को अवगत करा दिया, दोस्तों आपकी कल की बात का ये काम हो चुका है, ये असर हो चुका है। और आप लोगों के लिए फेवर में जो काम है, जो मैडम को कहलवाना था, वो भी हमारी टीम जल्दी उस पर काम कर रही है। सेट एग्जाम के बारे में, सेट के लिए मैं पहले पत्र लिखने वाला था, तबीयत खराब हुई, आपका पत्र आधा टाइप पड़ा है। एक कार्तिक जी है जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, उनसे मैं, उनका जो लिखा हुआ है मैं ज़रूर वो पत्र लिखूंगा, मैं चाहूँगा सेट एग्ज़ाम हो। और हम दबाव भी बनाएंगे कि राजस्थान के अलावा जब 21 राज्यों में सेट एग्ज़ाम हो रहा है, यूजीसी राजस्थान में क्यों नहीं है? इससे बाहरी राज्य के लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, राजस्थान के युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, इतनी कम सीटें हैं और बाहर से लोग आ जाते, बनारस इलाहाबाद इनकी हिंदी अच्छी होती है, आप लोगों को पता है, तो राजस्थान का युवा पिछड़ रहा है, इनके लिए सेट ज़रूरी है और इसके लिए हम कार्य भी करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम उस पे काम करेगी। नई फर्स्ट ग्रेड के बारे में आज चर्चा हुई है, इसमें नियुक्तियां हो रही है, नियुक्तियां पूरी हो जाए इसके बाद में एक वेटिंग सूची आएगी और उसके पश्चात नई फर्स्ट ग्रेड आएगी। हमारी कोशिश है 3,000 से 5,000 पद करवाने की, वो हम करवाने में लगभग कामयाब होंगे। दोस्तों आप लोगों को जल्दी इस पे सूचना मिलेगी। वैधता को लेकर कई बार मुझे कॉल कर रहे हैं, कोर्ट में मैटर है दोस्तों, वैधता वाला जो मैटर है वो कोर्ट में है, एडवोकेट से आपकी चर्चा मैंने करवा दी है, मुझे कॉल ना करें इस मैटर में, इसमें जो काम देख रहे हैं, या फिर मुकेश जी छिंपा को कॉल कर लीजिए, वैधता के संदर्भ में जितने भी युवा साथी है वो मुकेश जी छिंपा से कॉल कर लीजिए, वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। अब 2021 की जो भर्ती के बारे में सुनवाई को लेकर कई बार कह रहे हैं, बीएड बीएसटीसी विवाद में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? दोस्तों 2021 बीएड बीएसटीसी विवाद में चीफ साहब खुद देखेंगे इस मामले को। एनसीटी का जो एडवोकेट है वो बीएड के फेवर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्पष्ट तौर से, और जल्दी आपको एक और बड़ी खबर दूंगा मैं इस मैटर में, मैं चुप नहीं हूं, मैं काम कर रहा हूं। चीफ साहब खुद देखेंगे, अभी डेट नहीं आई है, डेट आते ही आपको पेज पे डाल दी जाएगी, आप तैयारी करें, अनुरोध रूप से तैयारी करें। बीएड धारियों सिलेबस देखिए, लेवल फर्स्ट का कुछ भी नहीं है, कोई बाहर नहीं होने दूंगा, चिंता मत कीजिए, आपका भाई यहाँ पे बैठा है, हर प्रयास हम करेंगे। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, जो बार बार लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर के नोटिफिकेशन डालते हैं, लिखते कुछ और है, होता कुछ और है, उनको पता ही नहीं है। चलो जाने दीजिए, काम करने दीजिए आप लोग, एग्जाम आगे जा रहा है रीट का, आराम से होली एंजॉय कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों रीट अब आपके रिसफल, इस मैटर पे भी मैं बोलूंगा दोस्तों, आज मैंने मुद्दा नहीं डाला, रिसफल का मैं बोलूंगा। एडिशनल वाले पे मैं बोल चुका हूं और कई कमेंट है वो बताइए। मुकेश जी छिंपा के नंबर है 8058092646, और बताइए कोई कमेंट है तो। बिल्कुल आप लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सारी चीजें जो मैं डाल रहा हूं वो ऑथेंटिक डालता हूं, हमारी टीम काम कर रही है। और एग्जाम को लेके, एग्जाम को लेके पूरी टीम, पटवार की नए फॉर्म खोलेंगे तारीख। और एक और युवा के हित में जो कार्य करता है, राजस्थान के तमाम उन युवा साथियों से मेरा अनुरोध है, जो युवा के लिए लड़ सके, हमारी कार्यकारिणी को एक साल पूरा हो चुका है, समस्त कार्यकारिणी हम भंग करेंगे, प्रत्येक जिला स्तर पे, प्रत्येक तहसील स्तर पे, जो राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रत्येक जिला स्तर, प्रत्येक तहसील स्तर पे अध्यक्ष पद पे कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति, लेटर हेड पे कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति मुझसे संपर्क करें, मैं आपको नंबर डाल दूंगा, अगली बार जो पोस्ट वगैरह डाल दी जाएगी तो वो लोग आगे आए, जो युवा के लिए लड़ सके, युवा के लिए कार्य कर सके, युवा के लिए आगे आ सके, सच की आवाज बुलंद कर सके, ऐसे व्यक्ति हमें जरूरत है। और वो व्यक्ति हमेशा आगे आए और हम
एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें सरकार अपना काम करेगी। हम डीओपी का सर्कुलर जो चैलेंज किया उसमें हम विजयश्री है, जिसमें कोई भी भर्ती के अंतिम पद भरे जाए उसमें हम विजयश्री है। बीएड वाले में लेवल फर्स्ट में बिठाने की बात थी उसमें बिठा रहे हैं, हम बिठा रहे हैं और बैठेंगे और नियुक्तियाँ भी दिलाएंगे। अब जो मैटर है वेटिंग कई भर्तियों के प्रतीक्षा सूचियों को लेके, कई भर्ती वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का जो मैटर है जिसमें पद खाली पड़े हैं, जिसमें लोगों ने नियुक्तियां ले ली है, 6 महीने काम नहीं किया, आगे चले गए हैं, सीटें खराब कर दी हैं, अन्य राज्यों के तर्ज पे हम उस पर काम करेंगे, उसका प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिल रहा है, हम उस पर काम करेंगे। बाहरी राज्यों का जो कोटा है, एक दिमक है बाहरी राज्य जो राजस्थान के युवा को खा रहा है, 27-28% लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं बाहरी राज्यों से। आप लोग फिर कहते हैं कट एक दो नंबर से रह गया, कट ऑफ ज्यादा चली गई, हम ऐसा भी ग्रुप तैयार कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों इस बात को आप समझे, आप साथ आए, पूरे राजस्थान के एक कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, बीएसटीसी डिप्लोमा का अचार डालने की जरूरत नहीं है दोस्त, बीएसटीसी धारी भी तैयारी कर रहा है, तैयारी कीजिए आप भी, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन लेवल फर्स्ट में बीएड धारी भी पात्र होंगे और एक तैयारी भी करेंगे। फार्म ओपन होंगे दोस्तों, जिन्होंने फार्म नहीं भरा है वो फार्म भर लेना, पटवार का एग्जाम नए फार्म होंगे, उसके बाद में डेट फाइनल होगी, रीट की मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 25 मई के बाद ही डेट होगी दोस्तों, और संभवतः मैंने आपको डेट बता चुका हूँ। पंचायती राज एलडीसी के बारे में मैं बोल चुका हूँ, इसके बाद में सीएम साहब पॉजिटिव है, पंचायती राज एलडीसी 2013 के मामले में सीएम साहब पॉजिटिव है, इस संदर्भ में जल्दी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छा कार्य करिए और एक ऐसा प्रोग्राम हम तैयार करेंगे पंचायती राज एलडीसी के द्वारा जिसमें एक झटके में ही आपकी सरकार के सामने आपकी बात जाएगी, पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा। आप लोग तैयार तो होइए, हम आपका काम लगभग फाइनल करवा देंगे, इस पर चर्चा चलेगी और काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, विस्तृत चर्चा की और बहुत लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, कोई प्रकार से अगर कोई बात रह गई है तो आप शुरू से देख लीजिए, और आप सभी लोग जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुमराह होने से बचे दोस्तों, हमारी टीम काम करेगी और आपके हर उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा, मेरी टीम वो टीम है। कई लोगों को मेरे ट्वीट से इनसे दिक्कत होती है, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ट्वीट मेरी टीम कर देती है, कई बार रात को, कई बार मैं सोने के बाद कर देती है तो मैं हटा नहीं पाता हूँ, और मैं माफी चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे ऐसे ट्वीट्स जिनसे किसी की भावना आहत होती है वो युवा हित में, लेकिन जो व्यक्ति युवा के हित को अहित समझता है, सिर्फ अपना निजी स्वार्थ समझता है, उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ, उसके खिलाफ, क्योंकि इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता दोस्तों, संघर्ष करने वाला का लिखा जाता है, और संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता के बाद में उसके पीछे में काफिला होता है। उसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, आपके हित को काम करूँगा। 2016 के बारे में पाला राम जी मैं चर्चा कर चुका हूँ, जल्द ही अपने को पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, अभी मैं कहीं भी कुछ नहीं जिक्र करूँगा दोस्तों। 2016 SLP और इसके बारे में बोल चुका हूँ, आप सभी लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कमेंट है तो मैं उसको, हाँ राजेंद्र जी बोलिए, आपका कमेंट मैं देखना चाह रहा हूँ, आप सुनो लिख रहे हो। शास्त्री जी, रविंद्र शर्मा जी, शास्त्री होके भी, परशुराम जी के वंशज होके भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। उनका मैटर कोर्ट में है संदीप जांगिड़ जी, कॉमर्स 18 की ज्वाइनिंग, आप कॉल कर लीजिए व्यक्तिगत रूप से मुझे कल, चिंता ना करिए। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, जय हिंद जय भारत सर। अच्छा, रात को 1 बजे का लाइव क्या होता है, कई बार हो जाता है, चिंता होती है खुद के करियर की, खुद के बचाव की, तो कई बार लोग आ जाते हैं 1 बजे लाइव, 12 बजे ट्वीट डिलीट सारा खेल होता है। दोस्तों आप चिंता ना करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़े, हैप्पी होली आप सभी को, एडिशनल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जो व्यक्ति एडिशनल वालों के खिलाफ केस लड़ रहे हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं है।